तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो कि बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है। तो अगर इस वाले क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें ये कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो पहले रेस्ट में था, अगर एक ऑब्जेक्ट है एम मास का जो पहले रेस्ट में था, तो अगर ये रेस्ट में था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी? जीरो रही होगी। अगर ये इनिशियल वेलोसिटी जीरो रही होगी तो कुछ टाइम बाद ये ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ आ जाता है और इसके पास वेलोसिटी भी हो जाती है और यहाँ जीरो थी, तो ये कहते हैं एवरेज पावर सप्लाई। देखो एवरेज पावर हमें निकालना है, तो देखो इस पॉइंट पी वन पर पावर कितना था और यहाँ पे कितना पावर है, ऑन एन एवरेज इस पर कितना पावर लगा वो हमें निकालना। तो देखो इसको करने के कई तरीके हैं। पहला मेथड सो देखो मैं यही कर रहा हूँ कि जो वर्क डन है इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है और दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर अपॉन टू एम इक्वल है, और जो पी जो है मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स होता है, और चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स होता है वो जो एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम टी के इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ या इसको एफ स्क्वायर और टी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम। अगर यहाँ से वन बाई टू यहाँ से साइड में रहने देते हो और एफ अपन एम को ऊपर ले जाते हो यहाँ और यहाँ से एफ टी इधर रखते हो, तो ये जो बन जाएगा वन बाई टू ये एक्सलेशन ए और एफ टी बन जाएगा, ठीक ना। तो ये वाली चीज़ यहाँ से तुम देखोगे एक टी यहाँ और था तो ये एक टी यहाँ से और आ जाएगा। तो ये जो ए टी है B इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर लगा दोगे तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो था तो B की वैल्यू ए टी के इक्वल आ जाएगी। तो फाइनली अब मैं यहाँ से देखूँगा कि ये यहाँ पर आ जाएगा वन बाई टू ए टी की वैल्यू आ जाएगी B और यह आ जाएगी एफ टी, दैट इज़ यहाँ से जो है वर्क डन, हाँ ठीक है। तो यहाँ से W बाई टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एफ बाई बी डिवाइडेड बाई टू, और W बाई टी इज इज नथिंग बट इट इज़ द एवरेज पावर। तो अपना कुल मिला के ये B ऑप्शन सही हो जाता है। और सेकेंड और स्मार्ट मेथड है देखो इसको करने का, एक और मेथड है करने का। तो यहाँ पर जो पावर है इंस्टेंटेनियस पावर यहाँ पर आ जाएगा ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस पावर एफ बी के इक्वल होता है। तो फोर्स तो यहाँ लगा होगा, वेलोसिटी जीरो होगा, जीरो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस पावर पी टू आ जाएगा और वो आ जाएगा यहाँ पर फोर्स मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। तो इन दोनों का एवरेज लोगे पावर तो ज़ीरो प्लस एफ वी डिवाइडेड बाई टू, तो वैसे भी हाफ एफ वी के इक्वल आ जाएगी क्योंकि एवरेज ही निकालना था। तो ये भी ऑप्शन अपना सही हो जाता है। ये नहीं सही होगा क्योंकि यहाँ पर जो तुम निकालोगे तो पावर एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और डिवाइडेड बाई टाइम टी, दैट इज़ वर्क डन अपॉन टाइम टी, तो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन टाइम टी, ये एवरेज के इक्वल होगा न कि फोर होगा। तो डी ऑप्शन गलत है, ये जीरो है, तो बी सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।